हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। चुनाव परिणाम आते ही सहयोगी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया, तो अब पार्टी के अंदर भी रार छिड़ चुकी है। हार के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की, तो प्रमुख चेहरे ही गायब रहे। पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा करके हर बात मानी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग से नदारद रहे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली और इस पर राहुल गांधी का पारा और भी ज्यादा चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा कि लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करेगी। गुरुवार सुबह हुई बैठक में शामिल हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट बिल्कुल उलट है जिसकी समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर पार्टी के अंदर ही मतभेद है, इस पर भी मंथन होगा। माकन ने आगे ये कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित है। चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग वजहों की चर्चा की है। चुनाव आयोग से लेकर आपसी मतभेद पर भी बातचीत हुई है, जिसके ऊपर हम आगे और भी ज्यादा कार्रवाई करेंगे। वहीं अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, यह भी आप सुनिए। देखिए, इस हार को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मीडिया, पूरी एग्जिट पोल, पूरी आम जनता एक स्वर में कह रही थी, आज नहीं महीने भर से कह रही थी, डेढ़ महीने से कह रही थी कि सरकार कांग्रेस ही बनना चाह रही है। उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आप मतलब बिल्कुल परिणाम उल्टा आ गए हैं? तो ये खड़गे साहब ने भी, राहुल जी ने बहुत इसको लिया गंभीरता से, इसीलिए आज जो सीनियर ऑब्जर्वर थे और जो AICC के दोनों सचिव थे उन सबको बुलाया गया, बातचीत करी गई, खुल के बातचीत हुई। बाबूलाल जुड़े मां से, गुजरात से, तो कम से कम डिस्कशन अच्छे ढंग से हुआ है। और अब वेणुगोपाल जी आपको बताएंगे किस प्रकार आगे फॉलोअप होगा इसका। तो मैं समझता हूँ कि तय तक जाना जरूरी है। एक नेशनल पार्टी जो कि जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता नहीं कहते बल्कि पूरा देश कह रहा था, पूरा प्रदेश कह रहा था, प्रदेशवासी कह रहे थे, तो क्या कारण होगा बचाने की परिणाम उठे आ गए? तो कई तरह की आशंकाएं हमारे कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग के अंदर छाई हुई है, आम लोगों के भी दिमाग छाई हुई है, चाहे EVM हो, चाहे कैसी भी स्थिति बनी हो। तो जिस प्रकार से कल इलेक्शन कमीशन में भी गए हम लोग, वहां जाके बातचीत भी करी, भाई ये हमारे आशंकाएं हैं, इसको आप दूर कीजिएगा, उनकी ड्यूटी दूर करेंगे वो, हमने लिखित में ज्ञापन दिया है और आज शाम तक जो कंप्लेंट आ रही है वो दिया जाएगा। उसके बाद में स्वतः जो है, स्वतः स्थिति स्पष्ट होगी। मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सर, आप तह तक जाने की बात करें लेकिन सतह पे चीज दिखाई दे रही है। बयान अभी कैप्टन अजय यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहे मुझे सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया था OBC का चेयरमैन बनाकर। शैलजा जी कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो दो विधायक के प्रत्याशी, पूर्व विधायक हैं तो प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल तो हुड्डा कांग्रेस की हार हुई है। इन चीजों को कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि तो सतह पर दिखाई दे रही है। देखिए, अब भी इन बातों का ज्यादा महत्व नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि जब चुनाव जीतते हैं तो सब अपनी भागीदारी मानते हैं उसके अंदर कि हमारा योगदान के कारण जीत गया हो। जब कोई हार होती है तो सब पल्ला झाड़ते हैं उससे और ऐसे कमेंट करते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। अभी पार्टी को देश के हित में एकजुट रहने की आवश्यकता है और जैसे राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधाराओं की है, कोई दुश्मनी नहीं किसी से। तो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है, जिस प्रकार की मोदी जी गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो। तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर, हार के वक्त में ज्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए।
कांग्रेस को हरियाणा में सिर्फ 37 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बनाने में कामयाब रही। पार्टी नेताओं ने बताया कि बैठक में हरियाणा चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक चुनाव से पहले कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच की कलह पर चर्चा होगी। ये भी देखा जाएगा कि क्या हरियाणा में शीर्ष नेताओं के बीच सीएम की होड़ हमारे खराब प्रदर्शन का कारण थी, टिकट बंटवारे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों में से 72 हुड्डा के वफादार थे। सैलजा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला अपने कुछ समर्थकों के लिए ही टिकट दिला पाए। हाईकमान ने कुछ और उम्मीदवारों को टिकट दिए। हाईकमान समर्थित 3 उम्मीदवार हुड्डा के करीबी बागियों की वजह से हार गए और इस हार के बाद पार्टी के अंदर कई लोग हाईकमान पर सवाल उठा रहे हैं। यूं तो चुनाव में हार जीत का क्रम लगा ही रहता है, लेकिन हरियाणा की हार बिल्कुल अलग है। यहां कांग्रेस और उनके समर्थकों ने मान लिया था कि माहौल बहुत अनुकूल है और बाजी हाथ में आ चुकी है। जीती हुई इस बाजी को हार जाने का गम कैसा होता है कांग्रेस अच्छे से अब महसूस कर रही है। बहरहाल बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन जिस राज्य में चुनाव था उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम पार्टी बैठक से नदारद रहे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।